नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंडिया खबर लाइव में। मैं हूं अनूप पांडे। खबर आ रही है विदिशा जिले के गंज बासौदा से। प्रस्तुत है इंडिया खबर लाइव संवाददाता एलन चौबे की एक रिपोर्ट। कोरोना महामारी से निपटने के लिए किसानों ने भी सेवा के लिए अपना हाथ बढ़ाया। जी हां, ग्राम पंचायत आटा सेमर के ग्राम वासियों ने बहुत अच्छी पहल की है। वहां के सरपंच भूपेंद्र सिंह दांगी द्वारा 15 क्विंटल गेहूं एसडीएम एवं एसडीओपी को तहसील प्रांगण में पहुंचकर दान स्वरूप भेंट किए एवं कहा कि हम सभी ग्रामवासी इस महामारी से निपटने के लिए हर तरह से तत्पर खड़े हैं। वहीं किसानों का कहना है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री भी इस महामारी में अपना सहयोग कर रहे हैं, तो हम भी पीछे नहीं रहेंगे। हमसे जो बन सकेगा हम वह करने को तैयार है। वहीं दूसरी ओर शहर में मौजूद विभिन्न सामाजिक संगठन अपने स्तर पर लोगों को खाना पहुंचाने का और अनाज पहुंचाने का सहयोग कर रहे हैं। मेरे समस्त ग्राम पंचायत वासियों ने कोरोना को लेकर 15 क्विंटल अन्नदान दिया है। समस्त ग्राम पंचायत वासियों ने किसानों के सहयोग से और मेरे सहयोग से एक मुहिम चलाई थी कि इससे यदि आगे कोई और समस्या बढ़ती है तो ग्राम पंचायत है जितनी 101 पंचायतें हैं आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। इस वजह से ये मुहिम चलाई थी माननीय हमारे SDM साहब के माध्यम से और हमारे जनपद अध्यक्ष जी अंजलि मनोज यादव जी के माध्यम से ये हमारे लिए प्रेरणा दी गई थी। इसलिए हमने मुहिम चला के 15 क्विंटल अन्नदान माननीय SDM साहब मौजूदगी में सुप्रतगिरी में दिया ग्राम पंचायत आटा सेमर ने समस्त ग्राम वासियों की ओर। गांव के बड़े लोग हैं, समृद्ध लोग हैं, क्योंकि आजकल फसल कटाई हो रही है, लोगों के घर में अनाज पर्याप्त है, तो अगर कोई नकद नहीं दे सकता है तो मुख्यमंत्री सहायता को उसके लिए लोग अन्नदान के रूप में भी कुछ दान कर सकते हैं। तो इसी क्रम में हमारी ग्राम पंचायतें कुछ ग्रामों में घूम के बड़े किसानों से बात करके अन्न कोष इकट्ठा कर रहे हैं। इसी क्रम में ग्राम पंचायत आटा सेमर में कुछ अन्न इकट्ठा किया गया है। अन्य पंचायतों में भी इस तरह की प्रयास किए जा रहे हैं। आटा सेमर ग्राम पंचायत के जो भी हमारे किसान भाई हैं उनके द्वारा अपने सरपंच भूपेंद्र सिंह के माध्यम से 15 क्विंटल अनाज जो कोरोना वायरस से पीड़ित लोग हैं और जिनके लिए कुछ खाने की व्यवस्था नहीं हो रही है उनके सहयोग हेतु हमें ये अनाज प्रदान किया गया है और आज आपके सामने ये दिया गया है। जिन ज़रूरतमंदों को भी जैसी भी ज़रूरत होगी तो थाने के माध्यम से ये लोगों तक पहुँचाया गया है।